हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम पहला। आज एक नई दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ करते हैं। तो गाइज़, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी दिन के 12 बजे से, और मैं अभी छत में आई, विहान सो रखा है और मैं आ रखी हूँ अभी धूप सेकने के लिए। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं हो रखी है, पता नहीं बहुत ठंडा सा लग रहा है। अंदर विहान के साथ बैठे रहना पड़ता है ना, क्योंकि विहान नहीं तो सोता नहीं है। थोड़ी देर बैठी थी, फिर उसके बाद उसके कपड़े मैंने छाले, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे उसके धोने, तो उसके कपड़े छाले। और थोड़ी देर ऊपर आ गई और थोड़ी सी चाय लेके आई हूँ। पेट में भी थोड़ा अजीब सा जैसा हो रहा है, तो चाय लेके आई हूँ अजवाइन डाल के, तो वो पीती हूँ। और ठंडा भी काफ़ी हो रहा है, अब क्या ही बताऊँ आपको। आज है यहाँ पे कैंटीन का उद्घाटन, और तो काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पे। सारे आर्मी वाले आ रखे हैं, शायद हो गया हुआ नहीं हुआ ये भी मुझे नहीं पता। सब लोग बैग वैग लेके आ रखे हैं सामान वामान लेके जाने के लिए, और कैंटीन का उद्घाटन वगैरह है, तो उसकी वजह से शायद हो चुका है उद्घाटन। क्योंकि यहाँ पे आर्मी वालों की जो वो थी, गाड़ियाँ थी ना, वो भी चली गई हैं, तो हो गया होगा। मैं थोड़ा लेट आ रखी हूँ अभी छत में धूप सेकने के लिए, आपको दिखाती हूँ। अभी तो कमी भीड़ हो रखी है, तो ये देखिए अभी इतनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे। या देखो यहाँ पे खुल रखी है कैंटीन, ये वाले घर में, ये वाला घर है ना, यहाँ पे खुली है कैंटीन। तो थोड़ी बहुत भीड़ हो रखी है, बहुत सारी बाइक वगैरह यहाँ पे खड़ी हो रखी है। यहाँ पे भी हमारे घर के आगे भी ना यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हो रखी हैं। देखिए यहाँ पे एक आर्मी की गाड़ी भी है, और यहाँ पे आर्मी वाले ना यहाँ पे गपशप में लगे हैं अपनी, इनको सामान मिला या नहीं मिला यही जाने अब। और यहाँ पे ऊपर पे हनुमान मंदिर है, देखो थोड़ी बहुत भीड़ हुई रखी है आज मतलब। तो गाइस, पिछले व्लॉग में आप मेरे से पूछ रहे थे कि कैंटीन कहाँ खुली है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे कैंटीन खुल चुकी है और उसका उद्घाटन भी आज है। तो इसकी लोकेशन है रायगढ़ में, GIC, जो यहाँ पे GIC है, GIC जाने वाला जो रास्ता है उसके जस्ट ऊपर पे कैंटीन खुली हुई है रायगढ़ में। तो यहाँ पे कैंटीन है, और उस कैंटीन के जस्ट ऊपर पे हनुमान मंदिर है, जो आपको रायगढ़ की मार्केट से ही दिख जाएगा। विहान भी उठ चुका है, और विहान को मैं छत में लेके आई हूँ, और इसको मैंने खिलाया सेब दूध में डाल के। और इसका मुँह देखो कैसा हो रहा है, मेरा तो मुँह अच्छा हो रहा है, मैं तो मंकी जैसा दिख रहा हूँ, मुझे पंगा मत लेना। तो हम लोग अभी लोगों को देख रहे हैं यहाँ पर से रोड से, इसको भी थोड़ा धूप सिखाती हूँ। और यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है आजकल, आजकल क्या मतलब आज हो रखी है, क्योंकि अब से तो रोज़ ही भीड़ होगी, क्योंकि कैंटीन का सामान आएगा, तो उसकी वजह से। गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ मायके, क्योंकि मम्मी का फ़ोन सही कर रखा था ना, मतलब नया फ़ोन, मैं सिम विम जो भी है सब कुछ सही करके देना था मम्मी को। तो अभी मैं जा रही हूँ मायके, विहान है अपनी चाची के साथ, तो मैं जाके आती हूँ जल्दी से। चापत कौन खाएगा, कैचा खेल देना, मेरे पौधू को ना चापत दे देना, खेलते चापत। हाँ फिर कहाँ खेले थे, पौधू को ना चापत दे देना, खेले थे चापत। कहाँ कर लो आप, मम्मा का टीका, टीका मिटाओगे टीको हैं, टीका मिटाएगा ये हैं, ये देखो क्या दिया नानू ने, नानू ने बोला पोतू के लिए चापत लेके जा चापत। गाइस मैं घर भी पहुंच चुकी हूँ वहां से, अब उठा दियो कपड़े, विहान ने तो मेरा टीका ही का भी मिटा दिया। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ हालंग लेने, क्योंकि हम यही बना रहे हैं। मैं अपने ही गार्डन से हालंग भी काट के ला गई हूँ, देखो वैसे पापा को खाड़ने को बोल रहे थे, लेकिन मैंने काट के ला गई हूँ। देखो मैंने सब्जी वब्जी भी काट ली है आज, मैंने हालंग और आलू की सब्जी काट रखी है, थोड़ी देर में डालेंगे। और तो यही बताऊँ। और गाइस मैं लेके आ गई हूँ विहान के लिए पराठा और एक
थोड़ा सा दही, ये देखो एक पराठा लेके आई। आज मैंने ओट्स नहीं बनाए इसके लिए, मैंने कहा आज पराठा खिलाती हूँ। फिहान है अपने दादाजी के साथ नीचे और उसे भी लेके आती हूँ उसके लिए। अभी 6:15 हो गया है, थोड़ी देर में फिर उसकी मालिश, आज उसको नहलाना भी है तो तभी सब भी जल्दी जल्दी कर लिया। और उसके लिए पराठा भी है, उसको खिलाने में आधा घंटा लग जाएगा, फिर उसके थोड़ी देर बाद अंधेरा ही हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद फिर रात को उसको नहलाऊंगी फिर सुलाऊंगी। तो अभी मैं लेके आती हूँ विहान को, मैं अपने कपड़े भी उतार लेती हूँ, अब जैकेट गंदी हो जाएगी मेरी, एक तो वाइट है ना, इसके लिए टीवी भी चला दिया। इसको खिलाती भी हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। देखो हमारे पति देव को, क्या कर रहे हो आप? मेरा ना कल का व्लॉग देख रहे हैं, और यहाँ पे विहान ना नहाने के लिए तैयार है, पहले ही बैठ गया टब में, अब इसको नहलाना है। तो गाइस मैंने विहान को खाना वाना भी खिला दिया है, और अब मैं इसकी इसको नहलाती धुलाती हूँ, और साथ में मैं अपना व्लॉग भी अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।